नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में मानसून वापस जा रहा है, ऐसे में कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ अक्टूबर की शुरुआत के साथ अब कैसा रहेगा मौसम पूरे के पूरे अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं आप भी, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं। अभी बारिश का स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम नहीं है, इसी वजह से अगले 5 दिनों में कहीं पर भी कोई भारी भयंकर बरसात नहीं होगी। और दोस्तों मंगलवार को आज जो है ना इंदौर उज्जैन समेत 17 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबूंदी के साथ, इधर मानसून भी दोस्तों 5 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश से विदाई लेने लगेगा। ग्वालियर चंबल में सबसे पहले इसकी विदाई का अनुमान है और मध्य प्रदेश में 21 जून को मानसून एंटर हुआ था और अगले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गया था। वही दोस्तों ग्वालियर चंबल में सबसे लेट पहुंचा था, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ बादलों की वजह के साथ अगले 24 घंटों में धूप रहेगी, तो उतार चढ़ाव के साथ शिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोआ, सागर, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वही भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत बाकी जिलों में भी तेज धूप के साथ मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में अब तेज बारिश का दौर खत्म होने वाला है। आज दोस्तों प्रदेश के 17 जिलों में मौसम विभाग ने बूंदाबूंदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो ना 5 अक्टूबर के बाद मानसून विदाई लेगा। मानसून की विदाई की शुरुआत प्रदेश में सबसे अधिक ग्वालियर चंबल में होगी। वही मध्य प्रदेश में मानसून की दोस्तों यहाँ पर दस्तक दी थी 21 जून को और मानसून के आने के साथ ही प्रदेश में जमाझम बारिश के साथ मौसम बदल गया। उतार चढ़ाव के साथ बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। अगले 24 घंटों में दोस्तों उतार चढ़ाव के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मंडला, शिवनी, बालाघाट, दमोआ, सागर, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर शामिल है। बाकी 6 जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में सामान्य इस बारिश की बात की जाए तो पहले पायदान पर भोपाल चल रहा है, जहां पर औसत से 14 इंच ज्यादा बरसात हो चुकी है। भोपाल के कोटा में 37.65 इंच, जबकि अब दोस्तों 51.94 इंच बरसात हो चुकी है। उतार चढ़ाव के साथ इधर इंदौर, उज्जैन इस मामले में पिछड़े हैं। इंदौर में औसत बारिश 34.18 इंच है, जबकि अब तक दोस्तों 33.48 इंच बरसात हुई है। वही दोस्तों मिला जुला मौसम रहने के साथ कई जगहों पर बदलाव है। मध्य प्रदेश में मानसून सीजन अपने आखिरी दौर पर जाते जाते दोस्तों बारिश के कई जगहों पर देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन उमस और गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के कई जिलों में बूंदाबूंदी के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं का रुख फिलहाल पश्चिम की तरफ है और प्रदेश में दोस्तों बादल छाए रहने के साथ बदलाव भी होगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। इसी के साथ मौसम विभाग की मानते अलीराजपुर, धार, दमोआ, बड़वानी और साथ में सागर, खरगोन, रायसेन, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, शिवनी, झाबुआ, मंडला, रतलाम, बालाघाट, शाजापुर और देवास में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबूंदी होगी। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल में धूप खिलेगी। शिवनी, नर्मदापुरम, खजुरा समेत कई जगहों पर दोस्तों उतार चढ़ाव देखने को मिला, धूप भी देखने को मिली। उतार चढ़ाव के साथ मिला जुला मौसम रहा। वही बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आया। वही दोस्तों बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम पिछले कई दिनों से करवट ले रहा है। उतार चढ़ाव के साथ मध्यम से तेज बरसात के साथ परिवर्तन हुआ और यहाँ पर बादल भी छाए हुए नजर आए। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का समय बीत गया है। 1 जून से 30 सितंबर तक बारिश का जो है मानसूनी सीजन माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब विदाई का समय आ चुका है। प्रदेश में अब कहीं पर भी कोई भारी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा होते हुए नजर आएगा। फिलहाल एक ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, इसके प्रभाव से ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर तेज बरसात के होने के साथ यहाँ पर सिस्टम खत्म हो रहा है, जबकि ऐसे में दोस्तों अधिकतर देर बरसात की नहीं होगी। उतार चढ़ाव के साथ मिला जुला मौसम रहने के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ दोस्तों पिछले 2 दिनों के दौरान मौसम बदला है। आज से मानसून की वापसी धीरे धीरे होते हुए नजर आएगी, तो कई जगहों पर बरसात की गतिविधि पर ब्रेक भी लगेगा। यहाँ पर दोस्तों जो ना सोमवार को 5 जिलों में भारी पानी गिरा। नर्मदापुरम, धार, खजुरा, रीवा, शिवनी जिले में हल्की से मध्यम बरसात और तेज धूप खिली रही। आज कई जगहों पर धूप खिली है तो कई जगहों पर उमस वाली गर्मी भी परेशान कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल की, तो आप सभी को बता दूं भोपाल में 34-35 के करीब तापमान है और यहाँ पर बादलों की वजह के साथ कई जगहों पर धूप वाला मौसम तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ गर्मी वाला मौसम भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बादलों की वजह के साथ लगातार परिवर्तन होने के साथ मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके यहाँ पर अभी कैसा मौसम है, कि आपको गर्मी से थोड़ी रात मिलेगी नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जबलपुर में 25-26 रात के समय दिन में 33-34 बूंदाबूंदी बरसात होगी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है और भी ज्यादा उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कटनी में 25-26 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाएंगे। बादलों की वजह के साथ कुछ जगहों पर मौसम साफ, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों भोपाल में जो है 33-34 के करीब तापमान है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी। सीधी में 25-26 रात के समय दिन में 32-33 बादलों की वजह के साथ 33-34 के करीब तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी है, उतार चढ़ाव भी जारी है और मिला जुला मौसम रहने के साथ बदलाव हो सकता है। बड़वानी में 25-26 रात के समय दिन में 30-31 बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भी ज्यादा हलचल और बदलाव होने के आसार है। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे ग्वालियर में 26-27 रात के समय दिन में 32-33 बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम मिला जुला है तो कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धार के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और यहां पर बताया जा रहा है कि 32-33 के आसपास तापमान रहेगा और बादलों की वजह के साथ मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे जो ना
और भी ज्यादा हलचल रहने के साथ उज्जैन में 32 के आसपास तापमान है। बादल छाने के उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग की मान तो पूरे हरदा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। 34-35 के करीब तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। और यहां पर 33-34 के करीब तापमान रहेगा। शिवपुरी में 33-34 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मंदसौर में 32-33 के करीब तापमान है। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और यहाँ पर मिला जुला मौसम रहने के साथ हलचल देखने को मिल सकती है पूरे के पूरे। दोस्तों रायसेन में 22-23 रात के समय, तो दिन के समय जो ना यहाँ पर 31-32 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम मिला जुला देखने को मिल सकता है। शाजापुर में 24-25 रात के समय, तो दिन में 31-32 के करीब तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। विदिशा में 23-24 रात के समय, तो दिन के समय 31-32 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। श्योपुर में 36 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम गर्म है, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहेगा। यहाँ पर पूरे के पूरे अशोकनगर में 33-34 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे सतना में 33-34 के करीब तापमान, बादल छाने के उतार चढ़ाव जारी है। पूरे के पूरे गुना के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान तो आने वाले 24-48 घंटों के दौरान और भी ज्यादा हलचल और बदलाव होगा। यहाँ पर जो ना पूरे के पूरे 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे डिंडोरी में 22-23 के करीब रात के समय, तो दिन के समय 30 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा। मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ होशंगाबाद में 24-25 रात के समय, तो दिन के समय बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे सिंगरौली में 25-26 रात के समय, तो दिन के समय बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे जो ना यहाँ पर बताया जा रही है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में उमरिया का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। रतलाम में 24-25 रात के समय, तो दिन के समय जो ना 30-31 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राजगढ़ में 24-25 रात के समय, तो दिन के समय बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, 34-35 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे। देवास में 23-24 रात के समय, तो दिन के समय 30-31 के करीब तापमान रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबूंदी और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर छतरपुर में बादल छाएंगे। अलीराजपुर में 33-34 के करीब तापमान, बादल छाएंगे। बुरहानपुर में शुक्रवार को बूंदाबूंदी, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। भिंड में 35-36 के करीब तापमान, बादल छाएंगे। यहाँ पर पूरे सागर में बूंदाबूंदी, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पूरे के पूरे दोस्तों निम्स में मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। पूरे विद्यतिया के मौसम में बदलाव, 25-26 रात के समय, दिन में 32-33, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। पूरे के पूरे दोस्तों पन्ना के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 32-33 के करीब तापमान शिवर में, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन रहेगा। 32-33 के करीब तापमान है। मौसम विभाग की मान तो पूरे रीवा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। शिवनी के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग की मान तो आने वाले 24-48 घंटों के दौरान शेड्यूल में बूंदाबूंदी, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। पूरे के पूरे दमोह के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे टीकमगढ़ के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। झाबुआ में 32-33 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। यहाँ पर इंदौर में 32-33 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। मुरैना में बादलों की वजह के साथ, नरसिंहपुर में भी मौसम बदल रहा है। बालाघाट के मौसम में बदलाव, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, आगर समेत उतार चढ़ाव जारी और बैतूल, निवाड़ी समेत मौसम बदलेगा। तो यह था पूरे एमपी का मौसम।